माइंड पे कंट्रोल कैसे लावे, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग मेरे से वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, ऑनलाइन कॉल्स करके सलाह लेके हम सामने सामने बात करते हैं और उनको हम फिर घर में दवा भेज देते हैं, आने की जरूरत नहीं होती है। तो उसमें एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, खुद फ़ोन कर रहा है और खुद फोन करके अपनी खुद आप बीती उसको जो सिम्टम्स हो रहे बता रहा है। बता रहा था कि मेरे सामने उसका केस हिस्ट्री है कि भाई उसको स्किजोफ्रेनिया करके बीमारी बताई कि भाई स्किजोफ्रेनिया आपको उसका इलाज चल रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, पूरे शरीर में अंगार होती है, खाना नहीं खा सकता, मतलब भूख नहीं लगती है, फिर संडा उसको 3-4 बार जाना पड़ता है, विचार आता है ऐसा कि भाई किसी को मार देना बिना काम का, फिर सोचता है कि नहीं, ऐसा कैसा विचार आ गया, एक्चुअली किसी को मारता नहीं है। वो बहुत बार बार ऐसे विचार नहीं आएगा, 2-4 बार दिन में आता है, नींद आती है, मतलब बहुत ऐसी शैलो रहती है, उखड़ी उखड़ी सी नींद रहती है, बहुत ज़्यादा गहरी नींद नहीं आती, और उसको भ्रम होते रहते हैं कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लोग मेरा अच्छा नहीं सोचते हैं, लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते रहते हैं, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, घर वाले तो उन्होंने मेरे तरफ अच्छा देखा ही नहीं है, और जो आजू बाजू के लोग हैं वो मेरे अगेंस्ट में कुछ तो भी साजिश कर रहे हैं, ऐसा उसको बार बार भ्रम होते रहता है। उस रहा था कि मेरा माइंड कंट्रोल के बाहर निकल जाएगा, और यदि बाहर निकल जाए तो मैं पूरा पागल हो जाऊंगा और फिर मेरा क्या होगा, इससे अच्छा मरना अच्छा है, तो ये सुसाइडल थाट्स भी उसको आते रहते हैं। और फिर वो सोचता है कि भाई इससे अच्छा मैं पागल होना तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या बोलेंगे, तो मैं मर जाऊँ, खुदकुशी कर लूँ तो अच्छा है। फिर उसको ऐसा है कि कभी अभी शादी होने की उम्र है 28 साल, धात कभी कभी बाहर निकलती रहती है, फिर उसको शक आता है कि धात जा रही है तो फिर अभी मुझे बहुत कमजोरी आ रही है या कमजोरी आ जाएगी। वो रेगुलर रूटीन अपना जी रहा है, ऐसा कोई पढ़ाई नहीं है, कोई काम नहीं करता, और उसको लगता है कि अपने जीने में मतलब नहीं है, उसको लगता है कि अपना कोई कोऑपरेट करने वाला है नहीं, अपने को काम भी नहीं कर सकता हूँ, और भ्रम भी होते रहता है, गुस्सा आते रहता है, तो फिर क्या करना है, ऐसा जीना जी के भी, मतलब उसको फुल इंसाइट है, उसको पूरा मालूम है कि अपने को प्रॉब्लम है, और खुद होके वो फ़ोन कर रहा है। अभी क्या होता है कि एक बार डॉक्टर लोगों ने उसको लगा दिया लेबल की स्किजोफ्रेनिया है, तो फिर लोग भी उसके तरफ ऐसा देखना चालू कर देते कि ये स्किजोफ्रेनिक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई स्किजोफ्रेनिया एक बार हुआ तो फिर अभी ज़िंदगी भर के लिए स्किजोफ्रेनिया होगा, ऐसा नहीं है। ये जो पेशेंट बता रहा हूँ उसको अच्छा इंसाइट है, उसको उसको मालूम है, दवाई भी ले रहा है, वो दवाई से उसको ठीक है, मगर 100% ठीक नहीं हुआ। तो उसको मैंने बताया कि ठीक है, मैं आपको दवाई बदल के देता हूँ, और दवाई यदि हाइयर डोज में आप लेते हैं मेरे से, मैं लेता हूँ दवाई, आपको भेज देता हूँ, दवाई मैं भेज दूंगा, आप लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको फ़ायदा हो जाएगा, और नहीं फ़ायदा हुआ तो देखो आप 2 साल से सफ़र कर रहे हैं, तो आप मेरे तरफ आइए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है जहाँ हम लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं, जो आक्रामक है, जिनको ऐसे भ्रम होते हैं, भास होते रहते हैं कि कोई आ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, पुलिस आ रही है, खुद वो किसके ऊपर अटैक कर देते हैं, या पेशेंट के साथ में रिश्ता रहने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको टाइम नहीं है, वो रोजंदारी में पैसे कमाते रहते हैं तो पेशेंट को अकेले छोड़ देते हैं, या कोई व्यसनी है, शराबी है, गांजा एडिक्ट है, या मंदबुद्धि का है, तो ऐसे लोगों को हम बिना रिश्ता भर्ती करते हैं, उनका इलाज करके उनको घर पर भेज देते हैं। मैंने भाई तुम आ जाओ हमारे यहाँ, अकेले आप रह सकते हैं, भर्ती दाखिल करके मैं आपको इलाज करूँगा, आपके साथ में कोई आता होगा तो वो भी हमारे यहाँ व्यवस्था है, और मैं आपको दवाई भेजता हूँ। तो फिर हमने उनको दवाई भेजा अभी, और दवाई भेजने के बाद में उनको जब मैंने ओल्डर और न्यूअर एंटीसाइकोटिक दोनों का कॉम्बिनेशन दिया, हेलोपेराडॉल जो है उससे काफ़ी फर्क पड़ता है जो डिल्यूजन है उसके ऊपर, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में जो डिल्यूजन रहती है कि नहीं, जो फॉल्स बिलीफ है, जो अनशेकेबल बिलीफ है कि नहीं मुझे कोई तो भी वॉच कर रहा है, मेरा कोई तो भी पीछा कर रहा है, मेरा लोग अच्छा नहीं चाहते हैं, लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा जो डिल्यूजन बहुत अच्छा फायदा करता है हेलोपेराडॉल, वो मैंने उसको दिया। 1 महीने में उसका फ़ोन आया कि मुझे कभी लगा नहीं इतना अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है, सब विचार गायब हो गए और अभी मैं अच्छे जी रहा हूँ, तो मुझे दवाई और भेज दो। मैंने उसको दवा दिया और मैंने बोला भी कम से कम आप 1 साल, मिनिमम 1 साल दवाई लो। लोगों को लगता है कि नहीं साइड इफेक्ट्स है, जरूर साइड इफेक्ट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, मगर साइड इफेक्ट दूर करने के लिए भी गोलियाँ हैं, और वो यदि आप लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हमने बोला ठीक है आप ये दवाई कंटिन्यू करो, साइड इफेक्ट हो गए तो ये दवाई है, पर आप मुझे बाद में कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो दवाई छोड़ देते हैं अच्छा होने के बाद में, या दवाई उनको प्रॉपर मिलती नहीं है। सभी को ये वीडियो शेयर करो, स्किजोफ्रेनिया जो बीमारी है
1% लोगों को है एट एनी गिवन टाइम, कोई भी समय पे 100 में से एक व्यक्ति को ये बीमारी है, काफ़ी लोगों को है। तो ये आप स्प्रेड कीजिए ताकि लोगों में उसमें नॉलेज आ जाएगा, तो लोग अपना अपना इलाज अपने डॉक्टर के पास में कर सकेंगे। ये भी आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।